तो असली लोगों को मंदिर में जाना है तो हम लोग उनको यही वो दोनों गाड़ी में ही जाना है पीछे जिसको अंजलि का यहाँ पे फोटो शूट सेशन चल रहा है और सब लोग अंदर हैं तो आप लोग देख लीजिए कि अंजलि कैसी लग रही है। सब लोग बोल रहे थे कि हम देखना चाह रहे हैं अंजलि को शादी वाले लुक में, थोड़ा थोड़ा मुड़ी मुड़ी कर रहे हैं। हमारी दुल्हन सोने की ज्वेलरी पहन रही है अमीर अंजलि आती है नहीं व्लॉग मेरी गोल्डन ज्वेलरी कलेक्शन फिर मंगा सो दे मुश्किल से। ओहो सिंदूरदान की ताली बजा। ये जीवन का आशीर्वाद मंगल अंजलि आज मांग भर में आठ पट लोग अंजलि आज मांग भर में आठ पट लोग सिंदूर के रूप में अंजलि आज मांग भर में ओम मंगलम भगवान विद्वज जोरदार ताली बजा जी। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे बृहस्पतिं सर्वकणं स्वस्तये स्वस्तेन आदित्यासो भवन्तु नः। अब धर्मोदय जी विचारवान नः धर्मोदय जी को स्वीकृतों तक निश्चय दीजिए मेवान नः कामान समाधय स्वाहा इदमग्नये स्वीकृते इदम नाम मरते पूर्ण सिमूल मादाय धीमे धीमे स्पीड से नहीं ठीक है ना। तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय पंडित जी वो आरती नहीं भी है। इंद्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्येष्टवे वेदे शान्तपदं क्रमोपनिषदे नायं प्रियं साम्ना ज्ञानावस्ति तृप्तंते मनसा भुजतेन्दहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव मे वैद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम वरकन्या। ॐ तनुपाप्ये सिद्धं मे पाहि ॐ आयुताप्ये सहना करे ॐ अवाहनं क्या ले ले आरती ले ले पर मैं तो पैसा एक रुपए नहीं अभी क्या पाप फर्ज हाँ वही तो मैं बच्चों में सोना मोना मैं शूटी क्यूटी सब लोग खड़े होकर के सब लोग खड़े हो जाए पुष्प ले ले और आशीर्वाद दे रहे हैं पीछे ले लो देखो फूल ले ले आप फूल ले लेंगे चलो चलो फूल ले लो ये है न्यू कपल तो हम लोग फूल लेंगे और कन्या और वर को आशीर्वाद देंगे। देखो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ सारी ये हमारी टीम के लोग हैं। मामा जी ले लो भाभी लिया ये क्यों मैं ले लिया मामा जी यहाँ से ले लो हो गया ले लो पीछे से प्रतिदिनं कुशलं वरकन्यायो जा देव फूल डाल मौसा जी बेटा मौसा जी आ गए कनकाया माई कंडति नर्मदा यत्र ब्रह्मादेव पता क्या पुनरागमनायक उधर से देख कर करके बोलिए गायत्री माता की देव की जय माता जी की जय शांति कुंज हरिद्वार की जय गंगा मैया की जय।
लेंगे आप आ जाएंगे। लगनी जी कुछ देखो तुम इधर थोड़ा सा इधर को जाओ। चलो चलो मम्मी आओ खिलाएंगी खिलाएंगी इसको यूं तो वक भी आइसक्रीम अभी देख नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा अंदर। चलो चलो तो अभी शादी की जो भी प्रोसेस थी वो खत्म हो गई है और हम लोग जाएंगे फिर से होटल में क्योंकि वहाँ पे खाना है और फिर शाम को अंजलि फिर यहीं से चली जाएगी और हम लोग जाएंगे वापस। तो शायद जाते जाते रात हो जाए क्योंकि एक बज गए मतलब शादी की जो प्रोसेस थी ना उसमें बहुत लंबा टाइम लगा है ना। मौसा जी कैसे कैसे मौसा जी अच्छे तेरे पापा से ज्यादा अच्छे हैं मेरे तो छोटे वाले जिया जी ज्यादा अच्छे हैं बड़े वाले तो गंदे हैं। मेरे अब दो जिया जी हो गए अब तो मेरे को दोनों पैसे देंगे। और यहाँ पे बातचीत चल रही है कि मतलब हम लोगों को पास में ही जाना है यहाँ पे बात चल रही है कि पैदल जाना है या पैदल चल लो यार थोड़ा सा ही है एक कदम है ना अभी तक पहुँचा था। चलो हाँ थोड़ा सा ही है पैदल बस आइसक्रीम बाहर जाके मिलेगी तो तेरे को बोला था सुबह खा ले। हम लोग शादी की तैयारियों में किसी भी चीज़ की तैयारी में इतना टाइम लेते हैं इतना कुछ करते हैं और लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं वो इतने ढूंढ रही थी कि मैं इसके साथ एयरिंग्स कौन से पहनूंगी और इतने बड़े बड़े लिए दो मिनट पहनने नहीं गए अब पता नहीं कहाँ चले गए और अब फिर से कपड़े इतने ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें ली कि मतलब कपड़े लेके रखे हुए हैं और पहनने का मन ही नहीं कर रहा कि यार जल्दी जल्दी इतनी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि अब कौन ही पहने यार पाँच दस मिनट की रहेगी फिर तैयार ही होना है तो इतनी आफत होती है। मैंने कहा अभी केवल 12 बज रहा है दो तीन बार से हम सुबह से तैयार हो गए हैं खाली तैयार होने का काम हो रखा है और कितनी सारी तैयारी करते हैं ना होता कुछ नहीं है लास्ट टाइम हाँ कुछ नहीं हाँ वही तो दुल्हन का भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ तो ये गाड़ियाँ वहाँ से आ रखी है लड़के वालों की तरफ से तो ये गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो पापा इनको रास्ता बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग गाड़ी में जा रहे हैं कुछ लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि पास में ही है और ज्यादा गाड़ी हम लोग यहीं पे रखने वाले हैं। नाना को बैठा दे तुम नहीं बैठो तुमने हमारे साथ चलना भाई बैठने को कह रहा कोई बैठ जा बैठ जा पीछे जिसको बैठाना पीछे किसी को बैठने क्या पीछे बैठने किसी को बैठो बैठो पीछे क्यों नहीं बैठना तुम लोगों ने कोई कोई बैठ नहीं रहा और डॉली डॉली तो अंजलि लोगों को मंदिर में जाना है तो हम लोग उनको यही वो दोनों गाड़ी में ही जाना है जाओ बैठ जाओ हम लोग पैदल जाएंगे ना तो अंजलि लोग तो मंदिर में चले गए भाभी गाड़ी से गए हैं कैसा लग रहा है आपको शांति कुंज का माहौल बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया थोड़ा गर्मी लग रही है हाँ थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है और मम्मी अंजलि लोग मंदिर में चले गए हमने कहा हम लोग होटल में चलते हैं वापस क्योंकि अब खाना पीना तो वहीं पे होगा और बाकी जो भी प्रोसेस होती है। मम्मी हम लोग आ गए हैं होटल में वापस और यही साड़ी को देख रही इतनी आफत कर रही है हम लोग होटल में वापस आ गए हैं और अंजलि ने मेरे को बोला था तुम मेरे साथ ही रहे और वो मेरे पे गुस्सा कर रही होगी क्योंकि सब मेरे को इधर उधर बुला रहे हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा आफत हो रही है कि मैं कितनी सारी जगह जाऊँ और सारे हमारे गेस्ट लोग हमने जो रूम करे हुए थे सारे सब लोग यहीं पे आए लड़के वाले क्योंकि हमने पहले से बात करी हुई थी कि मतलब हम लोगों ने जो रूम करे हुए हैं हम रहने देंगे वैसे तो हम शाम को ही घर जाने वाले हैं पर हम रहने देंगे क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं मतलब लड़के वाले सब यहीं पे आने वाले हैं। तो अभी मैं लिफ्ट से जा रही हूँ नीचे ये मेरा फुल लुक देखिए आप हाँ क्या आ जा आजा बंद कर देखो हाँ इनके चक्कर में मेरे को दोबारा से लिफ्ट में आ गया क्या थ्री क्यों जीरो हाँ क्या हाँ ठीक ठीक है और गेस्ट तो हमारे आ गए थे लेकिन दूल्हे दुल्हन भी आ रहे हैं तो उनको मैं पानी ही लेके जा रही हूँ मेरे चेहरे की आज मेरे को ज़्यादा गंदी नहीं लग रही परसों रात को अच्छी लग रही थी क्योंकि वहाँ हमारा काम केवल वो करना था ना वह तैयार होना आज मेरा काम सिर्फ तैयार होना नहीं है आज मुझे तैयार करना है ये कहाँ घूम रहा है मेरे पीछे पीछे हाँ तो मेरा काम पानी ले जाना है सब जगह तो अंजलि भी आ गई है आगे हाँ पी लिया कुछ कपड़ा कपड़ा नहीं खुले दे कुछ
गहना गुना हाँ कौच मंगल सूत्र ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ? तो ये यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो रहा है, मतलब अभी हमारे गेस्ट आ रहे हैं। तब तक मैं पानी लेने के लिए आई थी, मुझे ग्लास ही नहीं दे रहे जल्दी जल्दी। क्या उन्होंने मेरे को बोला है? वो अगर देख लो ना क्या हो रहा है, ऑयली साफ करना कुछ भी। फेस पाउडर नहीं दूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए, दो चार दे दो बस। अंजलि का यहाँ पे फोटोशूट सेशन चल रहा है, बढ़िया बढ़िया फोटो खींचना ठीक है भैया, बढ़िया फोटो लेना दुल्हन की। ए इसने साड़ी अच्छे से लगाई क्या? हाँ लगाई तूने? अभी इसका फुल लुक दिखाने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि उस समय सुबह सुबह बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो आज इसको ढंग से देख लो। दिखा दे सर चेहरा सामने कर, इसकी ना साड़ी के साथ से ये चुन्नी भी मिली हुई है। अभी इसका टाइम मिल रहा है फोटो खिंचवाने का। स्माइल रखना अच्छी, नहीं नहीं दिखाओ तो एक बार, वैसे भी दिखने के लिए दिखाओ तो एक बार। नहीं दिखा रहे ये इसको, ये इस भैया कह रहे हैं कि स्माइल करो, और ये कह रही कि मेरे दांत दिखाने लायक नहीं है। खोली नहीं थी, थोड़ा दिखा, थोड़ा दिखा, दांत दिखा, थोड़ा कर। सामने अंजलि का फोटो शूट सेशन चल रहा है, और अभी हाँ कौन शिवम, कोई नहीं भैया आप हमको भी दे देंगे फोटो, इसका तो ससुराली है वहाँ जहाँ से आप आए ना। हाँ तो ये तो वहीं जाएगी फिर, इसको फोटो दे रहे हो आप ठीक है? जब आपको देखना हाँ ठीक है। तो अंजलि का यहाँ पे फोटोशूट सेशन चल रहा है और सब लोग अंदर हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि अंजलि कैसी लग रही है। सब लोग बोल रहे थे कि हम देखना चाह रहे हैं अंजलि को शादी वाले लुक में, तो देखिए ऐसे लगते हैं। अन्य कमर बनता बिल्कुल अनमैच हो। राम को देख कर श्री जगत नंदनी। तो हमारी सारी टीम लड़की वालों की टीम यहाँ बैठी हुई है, हमारे जितने भी लोग हैं सारे यहाँ बैठे हुए हैं, और लड़के वाले नीचे बैठे हुए, उनको ऊपर बुलाओ भाई, उनको ऊपर बुलाओ, जा रहे हैं जाओ जाओ। छी छी सब चीज पे गंदगी मत कर। यहाँ पे अंजलि मौसी का फोटोशूट चल रहा है, इन दोनों को देखो कैसे रो रहे हैं। रुक जाओ अंदर जाओ, चलो हटा दे इसको। तो हमारे सारे गेस्ट लोग उधर बैठे हुए हैं, और जगह है वहाँ, सब लोग ऊपर आ गया। यहाँ चेयर तो है नहीं, यहाँ हमारे मतलब दो तीन कमरे हमारे हैं, और एक दो कमरे उनके हैं लड़के औरों के लिए, वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग। और ये है नई नवेली दुल्हन, और ये हैं सारे गाइस लोग। ये मौसा जी कैसे लगे? कैसे अच्छे नहीं है? नहीं तेरे पापा से तो अच्छे हैं, मेरे तो छोटे वाले जिया जी अच्छे हैं, बड़े वाले नहीं हैं। हाँ सही तो कहा, बड़े वाले मतलब तेरे पापा, बड़े वाले गंदे हैं, छोटे वाले अच्छे हैं। मेरे तो नए जीजा जी हो गए अब, मैं तो बड़े वाले को मुंह भी नहीं लगाऊंगी। क्या कपड़े चेंज कर लिया? जोर से बोल, गहने पहनेंगे कती गहने पहन तो आप सारे जुड़ दी अभी पे। अच्छा सुन बोल, हमारी दुल्हन सोने की ज्वेलरी पहन रही है। अमीर अंजलि अतिमा ब्लॉग दी मंगल सूत्र वो नहीं अतिमा मेरी गोल्डन ज्वेलरी कलेक्शन। अब अंजलि बोलेगी, अब अंजलि ब्लॉग बनाएगी मेरी गोल्डन ज्वेलरी कलेक्शन, और वो कुछ नहीं हुई दी मंगल सूत्र मुश्किल से। ओहो क्या यार, मम्मी बनाई। तो फिर चलिए कर देते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और अंजलि की शादी भी हो चुकी है फाइनली, आप लोगों ने जितने भी सारी बधाइयाँ दी होंगी बहुत दिन से दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप लोग भी शामिल ही हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी शामिल हो गए, हर मोमेंट को आप लोगों ने भी देख लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को ये भी खत्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।